हे गाइस गुड आफ्टरनून कैसे हैं आप लोग आपका मोस्ट वेलकम हमारे सेशन में माय नेम इज मिश्रा एम से जी एजुकेटर और आज हम बात करेंगे अपने एमसीक्यूज की करंट अफेयर्स एमसीक्यूज दोस्तों आ, हमने आज जो पढ़ाई की उसके बारे में कुछ नए क्वेश्चंस कुछ पुराने क्वेश्चंस सब कुछ हम करेंगे यहाँ पे आपको बस एक काम करना है कागज पर लेके बैठना है और सेशन के लास्ट में आपने कितने क्वेश्चन सही किए कितने क्वेश्चन गलत किए आपके मार्क्स कितने आ रहे वो मुझे बताने हैं ठीक है तो क्वेश्चन शुरू करते हैं अपना लेकिन उसके पहले दोस्तों आपके लिए इन्फॉर्मेशन है दोस्तों टीम एबीबी का फाउंडेशन बैच फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ ट्वेंटी बैच हमारा आठ तारीख से लाइव हो रहा है ये बैच हमारा आठ अक्टूबर से ये बैच हमारा लाइव हो रहा है टाइमिंग क्या क्लास की होगी इंग्लिश साढ़े ग्यारह से लेकर 1 Math, 1 से से एक बजे तक क्लास होगी हमारी मैथ एक बजे से दो बजे तक रीजनिंग साढ़े ढाई से चार बजे और जी सात से एक घंटे के बाद ठीक है ये पूरा स्केड्यूल है इसे देख लीजिए अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको ये बैच हमारा ज्वाइन करना चाहिए इस बैच में दोस्तों आपको लाइव ऑडियो कॉल मिलेगी अगर कुछ डाउट्स हैं तो मिलेगा स्पेशल डाउट क्लियरिंग आपको गाइडेंस फ्रॉम फाइनल अनलिमिटेड क्लास फ्रॉम ऑलमी एजुकेटर्स लेकिन इसके लिए आपको एवीपी का लगाना है और आपको एडमिशन लेना इसमें ठीक है तो टेन परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा गुड इवनिंग Uh, शेयर तो, फड़। तो आपके पास मोबाइल प्ले स्टोर है आप जाइए और वहां पे अन अकेडमी का लर्निंग एप्लीकेशन सर्च एप्लीकेशन सर्च करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा जहां पे आपको इंस्टॉल करना है करने के आपको अपना फोन नंबर यहां पे डालना है फॉर द वेरिफिकेशन और आप लॉग कर ले जाएंगे हमारे ऐप में

और 24 महीने पर चार महीने का एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिल रहा है और इसके बाद हैव अ रेफरल कोड पे कोड आपको आपको लगाना जिससे 10 का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा दोस्तों और हमारे कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं गाइस अब बात करते हैं अपने सेशन की तो स्टार्ट करते हैं अपने की पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है द सेवंथ जी ट्वेंटी पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट इज टू बी इन सातवां जी ट्वेंटी संसदीय शिखर सम्मेलन कहां पर होने वाला आपसे पूछा गया इसमें ओम बिड़ला जी पार्टिसिपेट करेंगे इसमें ओम बिड़ला जी देख लो सेवेंथ एडिशन है जी ट्वेंटी पार्लियामेंट्री स्पीकर का ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे आपको कैसे इसका आंसर देना पहला क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन हमारा आंसर हमारा दोस्तों क्या होने वाला ठीक है और यहां पर आंसर क्या होगा देखो जी ट्वेंटी की बात हुई है तो जी ट्वेंटी का आंसर हमारा क्या होगा इसका आंसर रोम इटली होगा ऑप्शन नंबर ए बिकॉज आपको बता दो जी ट्वेंटी इस बार कौन होस्ट कर रहा है इटली होस्ट कर रहा है तो हमारा आंसर इटली हो जाएगा एक बात और दो का जी ट्वेंटी समिट जो होस्ट करेगा वो करेगा इंडोनेशिया और 2023 का जी ट्वेंटी समिट होस्ट करेगा इंडिया ये भी आपको याद रखना है पहला क्वेश्चन हमारे सामने आपने सही आंसर दिया ठीक है आगे बढ़ते हैं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की Which state has launched? मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना टू प्रोवाइड रिलीफ टू दिन ऑफ द टूरिज्मिटी सेक्टर 19 पैंडमिक हमने आज ही आपको यह पढ़ाया है किस स्टेट में किस स्टेट में मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना लॉन्च हुई है यह आपसे पूछा गया आंसर हमारा क्या हो यह किस मंथ का है बहुत मार खाओगे। यह आज का है आज का हमारा क्वेश्चन आंसर है

हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर तीन की हम बात करेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा भूपेंद्र यादव जी जो हमारे देश के इनवायरमेंट मिनिस्टर भी हैं दोस्तों अगर आपको भारत में वेटलैंड के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो आपके लिए सिंगल प्लेटफॉर्म वेटलैंड ऑफ इंडिया पोर्टल इस पर जाइए और आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी वेरी गुड बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर फोर दोस्तों

आंसर हमारा क्या नंबर क्वेश्चन की हम बात करें और आंसर हमारा होगा असम ऑप्शन की बात करते हैं ब्रांड एंबेसडर ऑफ द क्वाइन डीसीएक्स क्वाइन डीसीएक्स हमारे देश की पहली 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 यूनिकॉर्न है इन द क्रिप्टो एक्सचेंज है ना मैंने आपको पढ़ाया था मॉर्निंग में ही तो क्वाइन सी डी एक्स का ब्रांड नंबर आपसे पूछा गया इसका आंसर क्या होगा स्पेशल क्लास पर कोई एमसीक्यूज नहीं होगी आपकी हमेशा शाम को चार बजे यूट्यूब पर ही क्लास आपकी होने वाली MCQs की ठीक है तो अभी याद कर लें आप लोग हमारा अमिताभ बच्चन ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर अमिताभ बच्चन इज द फर्स्ट ब्रांड एम्बेडर ऑफ है आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन विच बैंक इंडेल मनी

आगे बढ़ते हैं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर सेवन आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द जीएसटी कलेक्शन फॉर द सितंबर 21 जीएसटी कलेक्शन इस बार सितंबर में कितना रहा ये आपसे पूछा गया आंसर हमारा क्या होगा हमने आज ही मॉर्निंग में पढ़ा है क्लास में तो जीएसटी कलेक्शन फॉर द सितंबर मंथ ये आपसे पूछा गया आंसर हमारा क्या होगा ठीक है और दोस्तों

आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों We have five options. और आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. इंडियन नेवी नेवी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आगे बढ़ते हैं गाइस बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नाइन की विच कंपनी हैज रिसेंटली एक्वायर्ड हंड्रेड परसेंट शेयर इन डिजिटल लैंडिंग स्टार्टअप कंपनी क्रेडिट मैटमेट तो इसमें से कौन सी कंपनी है जिसने एक कंपनी थी क्रेडिटमेट में सौ परसेंट शेयर कर लिए फाइव ऑप्शन आंसर हमारा क्या के लिए देखो आप कितने अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो आपके लिए हम और अच्छे कंटेंट लाएंगे ना ये तो पहली क्लास है ना हमारी तो क्लास है परेशान क्यों हो रहे? इसका आंसर क्या हो जाएगा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ठीक है आगे बढ़े दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लॉन्च ऑफ इंडिया टू फाइंड सॉल्यूशन टू इंडिया पार्टिसिपेशन सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से भारत की अपशिष्ट समस्याओं को समाधान खोजने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए वेब पोर्टल का नाम बताइए शुरू हो, हो जाएगा चिंता मत करें वो तो हो जाएगा

तो वर्ल्ड एक्सपो 2020 जो है ये आपका दुबई में हुआ आप इसकी थीम क्या आपसे पूछी गई है पांच ऑप्शन हमारे पास है आंसर हमारा क्या यहां पे क्या पूछा गया है वर्ल्ड एक्सपो ये दुबई में हुआ इसकी थीम क्या है इसकी थीम क्या है वी हैव फाइव ऑप्शंस आंसर हमारा क्या होगा तो आंसर हमारा हो जाएगा कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग द फ्यूचर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग द फ्यूचर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है ठीक है चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ की नेम द विनर ऑफ द ट्वेंटी वन नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार इनमें से किसको मिला है ये आपसे पूछा गया वी हैव फाइव ऑप्शन आंसर हमारा क्या होगा देख लीजिए यहां पर वॉट इज द राइट आंसर वी हैव फाइव ऑप्शन आंसर हमारा क्या होगा नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन किसको मिला आपको देना है इज द राइट आंसर और आंसर हमारा हो जाएगा डेविड जूलियस एंड पोर्टियम ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर ये दोनों लोग यूएसए से बिलोंग करते हैं ठीक है और इनको क्यों ये अवार्ड मिला उस पर हम क्वेश्चन अलग से कराएंगे आपको चिंता ना करना उसके बारे में ठीक है तो एक क्वेश्चन हमारा ये था ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन की देखिए विस टीम हैज हैजन द डूर कप दो कप 21 का ये 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 किसने जीता फुटबॉल टूर्नामेंट एडिशन था ठीक और ये 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 कोलकाता में हुआ हुआ भी हमने आपको पढ़ाया हुआ। किसने जीता आपसे पूछा right क्या क्या राइट आंसर 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 हमारा 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 होगा होगा हो जाएगा एफसी गोवा ऑप्शन नंबर सी ये टूर्नामेंट आंसर क्वेश्चन वर्ल्ड टीचर्स डे हम कब मनाते हैं ग्लोबल लेवल पे ये आपसे पूछा गया है, तो हमने मॉर्निंग बढ़ाई है इसका आंसर क्या होगा तो इस का हमारा दोस्तों क्या होने वाला है? पांच ऑप्शन हमारे पास है आंसर हमारा होगा फिफ्थ अक्टूबर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर तो पांच अक्टूबर को हम वर्ल्ड टीचर्स डे मनाते हैं ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर की वॉट इज द थीम ऑफ द ट्वेंटी इंटरनेशनल टीचर्स डे तो 21 इंटरनेशनल टीचर्स डे की थीम आपसे पूछी गई है दोस्तों आंसर 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 हमारा 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 क्या होगा? Right हमारा क्या होगा होगा देख लीजिए व्हाट इज द द राइट हो जाएगा टीचर्स एट हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है मैं फिर से आपसे बोल रहा हूं दोस्तों कि बिल्कुल भी अपने माइंड में डाउट मत रखिए स्पेशल पे हमारी क्लास नहीं होने वाली है हमारी क्लास यहीं पर होने वाली है अभी कुछ दिन फिलहाल तो बिल्कुल शाम को चार बजे आपको आना है मे बी चेंजेस आपको थोड़ी प्रॉब्लम करेंगे बट डे बाई डे अपने तरीके को हम चेंज करते जाएंगे आप ये पहली क्लास है हमारी तीन चार दिन से क्लास भी नहीं हुई है, है ना तो आराम से पढ़िए निगेटिव चीजें अपने माइंड में मत आने दीजिए आपको पढ़ना है सिलेक्शन लेना है नॉलेज लेनी है है ना चलिए आगे बढ़तेगा इस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड डे डे इज ऑब्जर्व ऑन ग्लोबली तो विश्व पर्यायवास दिवस जो है ये कहां पर हम किस दिन हम मनाते ये पूछा गया पांच ऑप्शन आपके पास है लास्ट में आके हमको बताओ कितने क्वेश्चन सही क्यों कितने क्वेश्चन गलत क्यों आंसर हमारा क्या होगा फर्स्ट मंडे और इस बार चार अक्टूबर था फर्स्ट मंडे को आपको बताइए तो एक पॉइंट हमारे पास ये हो गया चलो आगे बढ़ते हैं गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की व्हाट इज द थीम ऑफ द 21 वर्ल्ड हैबिटेड डे तो आपसे पूछा गया कि वर्ल्ड हैबिटेड की थीम क्या ये, आपको है आपको बतानी है आंसर हमारा क्या होगा देख लो आराम से आंसर दो फटाफट वी हैव ओनली 547 स्टूडेंट भाई क्यों स्पेशल पे हमारे 2000 चलाए बात है. तो सबको बताइए क्लास हमारी कहां पर हो रही है क्लास हमारी हो रही है शाम को चार बजे ये थीम हमने आपको यहां पर बताई है ठीक है एक्सेलेटिंग अर्बन एक्शन फॉर अ कार्बन फ्री वर्ल्ड ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर ठीक है।, है दोस्तों आगे बढ़ते हैं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन की ठीक है द वीक फ्रॉम अक्टूबर फोर टू टेन इज बी ऑब्जर्व एज तो चार से लेकर दस अक्टूबर का जो वीक है सप्ताह है। इसे हम कौन से रूप में बनाते इसे हम कौन से रूप में बनाते वर्ल्ड एयर वीक वर्ल्ड स्पेस वीक वर्ल्ड फायर वीक वर्ल्ड अर्थ वीक नन ऑफ दीज आंसर हमारा क्या होगा वर्ल्ड स्पेस वीक ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर तो वर्ल्ड स्पेस वीक हम बनाते हैं क्यों मनाते हैं इसका रीजन नहीं? मैंने आपको बताया था मॉर्निंग याद है रशिया के द्वारा पहला आर्टिफिशियल सेटेलाइट जो था स्पूतिक वन उसके लिए ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द थीम ऑफ इंडिया पवेलियन एट दुबई इंडिया पवेलियन का इनोग्रेशन किया था पीयूष गोयल जी ने आपको मैंने पढ़ाया था एक क्वेश्चन पे दूसरा कि भारत की थीम थीम क्या थी इंडियन पवेलियन की राइट ओपननेस अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल तो, तो, सही आंसर ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल जी ने इनोग्रेशन किया था इंडियन पवेलियन का एट द दुबई एक्सपो हमको मालूम चल गया हाउ मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन दैट इवेंट यानी दुबई एक्सपो में कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया दुबई एक्सपो बोलिए या वर्ल्ड एक्सपो बोलिए कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया एक नया क्वेश्चन आपके सामने है और आपको इसका आंसर देना है वॉट इज द राइट आंसर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मॉर्निंग में क्लास हमारी बेटा 8 एम पे होती है बैंकर्स Bankersway चैनल पे आपको यहां पे आना है धमाल मचाना है और आंसर हमारा क्या हो जाएगा 192 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर तो 192 देशों ने पार्टिसिपेट किया तो देखो एक नया क्वेश्चन तुमको यहां पे मिल गया इंफॉर्मेशन तुमको नहीं मिलती नहीं परेशान मत हो एकदम ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देखो who has been appointed as the head of the reconstituted expert committee formed by the government for fixation of minimum wages and national floor wage under the code on wages 21 aapko maine padhaya zara bataiye mujhe तो Code on Wages 21 2019 के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी और राष्ट्रीय फ्लो, फ्लोर वेज के निर्धारण के लिए सरकार ने कमेटी फिर से बनाई है इसको लीड कौन करेगा अच्छा क्वेश्चन आंसर हमारा क्या होगा आंसर हमारा क्या होगा जल्दी से आंसर हमारा क्या होगा आंसर इज द एसपी मुखर्जी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर तो हमारे लेबर मिनिस्ट्री ने लेबर मिनिस्ट्री ने एक कमेटी बनाई थी किसके लिए फिक्सेशन ऑफ द मिनिमम वेजेस एंड नेशनल फ्लोर वेज अंडर कोड ऑन वेज ट्वेंटी ठीक है तो एसपी मुखर्जी हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो यहां पर देख लीजिएगा तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने कमेटी बनाई थी एक्सपर्ट ग्रुप ऑन द फिक्सेशन ऑफ द मिनिमम वेज और इस कमेटी में नौ थे, इस कमेटी में नौ इसको लीड करेंगे किरण आर्बिट्रेशन सेंटर ऑफ इंडिया प्लेस किरण रिजिजू हमारे देश के लॉ मिनिस्टर हैं इन्होंने किस स्थान पर भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया जस्ट लाइक ट्रैक कोर्ट जहां पे स्पोर्ट्स के डिस्प्यूट सॉल्व किए जाएंगे ये भी मैंने पढ़ाया अहमदाबाद भावनगर आनंद पोरबंदर एंड गांधीनगर वी answer है answer is, right तो विनोद बोल रहे हैं अहमदाबाद पहला अहमदाबाद दो लोग के पहले आंसर आए आंसर इज अहमदाबाद गुजरात ऑप्शन नंबर एज द एब्सोलुटली राइट आंसर तो अहमदाबाद हमारा सही आंसर है बिल्कुल सही बिल्कुल सही क्वेश्चन नंबर थ्री दोस्तों नजला बोडेन रोमधाने हेज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री तो नजला बोडेन रोमधैने को निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है इवन ये पहली महिला प्राइम मिनिस्टर पूरे अरब वर्ल्ड में सीरिया टर्की टूनिशिया इजिप्ट एंड लीबिया क्या इसका आंसर होगा वॉट इज द राइट आंसर मेरा आंसर सीरिया आपका आंसर क्या होगा जल्दी मुझे बताएं और आंसर हमारा क्या होगा देवशी बोल रहे हैं ट्यूनिशिया तो क्या इसका आंसर ट्यूनिशिया हमारा है

करेंसी क्या है यह आपसे पूछा गया स्टेटिक क्वेश्चन है 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 रियाल है, दिरहम है, क्रोन है? क्या आंसर देंगे आप की करेंसी आपसे पूछी गई है क्या हमारा आंसर होगा तो ट्यूनिशिया में कौन सी करेंसी चलती है ट्यूनिशिया में चलती है तो, आपकी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर और कैपिटल है ट्यूनिश ट्यूनिश इज द कैपिटल एंड दिनार इज द करेंसी दोनों पॉइंट आपको ध्यान देने दोस्तों ठीक है आगे बढ़ते हैं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की विच ऑर्गेनाइजेशन 150 मिलियन डॉलर लोन फॉर द चेन्नई सस्टेनेबल अर्बन सर्विसेज चेन्नई की एक सौ पचास मिलियन डॉलर के लोन को मंजूरी दी है पांच ऑप्शन फिर से आपके सामने आंसर क्या होगा वॉट इज द राइट आंसर आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों आंसर हमारा क्या होगा आंसर हमारा क्या होगा आंसर हमारा हो जाएगा वर्ल्ड बैंक ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। वर्ल्ड बैंक बिल्कुल 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 सही बिल्गुल सही, बिल्गुल सही। तो सही आंसर, आंसर वेरी गुड। तो वर्ल्ड बैंक हमारा है तो वर्ल्ड बैंक ने 150 मिलियन डॉलर का लोन अप्रूव किया एक पॉइंट हमारे पास गया आगे बढ़ते हैं

लेकिन हम कल से पूरी कोशिश करेंगे आपको ऑप्शन के हिसाब से भी रिवाइज करेंगे ठीक है तो चेंजेस थोड़े से खराब लगते हैं लेकिन चेंजेस हमारा भला हो जाए तो है ना तो चीज पॉजिटिवली बेटा है ना? क्या होगा? बैंक बहुत मार बैंक right पे देव आनंद बोल रहे हैं एडीबी देव आनंद ये व्यक्ति वो है जो मॉर्निंग में मुझे जज कर रहे थे बोल रहे थे कि सर सब कुछ तो ठीक है लेकिन एक कमी है क्या जमाना आ गया आजकल चलो तो वर्ल्ड बैंक ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की आपके सामने तो वर्ल्ड बैंक ऑल्सो अप्रूव फोर्टी मिलियन डॉलर लोन फॉर अ प्रोजेक्ट विच एम्स एट इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द हेल्थ सर्विसेज इन मेघालय ठीक है तो एक पॉइंट हमारे पास ही हो गया आगे बढ़ते गाइस बात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन दोस्तों नेम द न्यूली अपॉइंटेड एमडी एंड सीईओ ऑफ द नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड मैंने आपको ये एनएसडीएल के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी एनएसडीएल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का डिपॉजिटरी है याद है आंसर हमारा क्या है हाँ पराग बेटा ये क्लास इसी टाइम पर होगी हमें सब याद होता है बेटा तुम्हारे टीचर है। टीचर तो मैं गलती से बन गया तुम्हारा बड़ा भाई हूं आंसर हमारा क्या होगा

इंडियन टीम में अपना पहला टेस्ट मैच गुलाबी गेंद इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया इंडीज पाकिस्तान एंडीलैंड क्वेश्चन है आज के कल के क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर बीज द राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया हमारा सही आंसर दोस्तों ठीक है तो पहली बार पिंक बॉल डे एंड नाइट टेस्ट मैच इंडिया ने खेला अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया अब कहां पे खेला तो करा, करारा ओवल इन द क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया ऑन थर्टी सितंबर तो कहां पर हुआ देखना किस मैदान में ओवल के मैदान में यह भी आपको याद होना चाहिए ठीक है आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्स क्रॉनिकल्स फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपुल ऑन द अर्थ क्रॉनिकल फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ नामक पुस्तक के लेखक कौन है ये आपके लिए नया क्वेश्चन है चैलेंज है आपको इसका आंसर देना है आंसर हमारा क्या है

वोल का क्या ये सही आंसर होगा हमारा दीप सिखा बोल रही है जॉन अब्राहम जॉन विकर अच्छा जॉन विकर तो एक मूवी के एक्टर का नाम था आंसर हमारा होगा वोल का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर तुक्का मारा ठीक मारा तुम लोगों ने जेनू बोलना सी ऑप्शन होगा ठीक है आप लोगों ने देख लिया ना आंसर हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ठीक है याद कर लीजिएगा पीडीएफ आपको मिल जाएगी ये क्लास खत्म होते ही दस मिनट का वेट करिएगा आपको कमेंट सेक्शन में पीडीएफ मिल जाएगा नहीं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे पी आपको पीडीएफ तुरंत मिल जाएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टी एट विच करेक्टर वॉज डिक्लेयर एज द मैस्कॉट बाई द यूनियन गवर्नमेंट फॉम द नमामि गंगा प्रोग्राम ये तो आप लोग बता देंगे वॉट इज द राइट आंसर आंसर हमारा क्या है नमामि गंगा प्रोग्राम के बारे में हम बात कर रहे हैं आपसे मैस्कॉट वॉट इज द राइट आंसर आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों और आंसर हमारा ऑप्शन नंबर राइट आंसर आंसर बिल्कुल सही आप आप दे रहे हैं 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 बहुत तेज होंगे लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। और बात करते नेक्स्ट क्वेश्चन की चलिए हु इज द एक्सपर्ट कमेटी बाई द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी टू रिकमेंड एन अप्रोच टूवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ द सस्टेनेबल फाइनेंस हब एट द आई एफ एस सी मैंने आपको पढ़ाया तो आई एफ एस सी में सस्टेनेबल फाइनेंस हब के विकास की दिशा में दृष्टिकोण की सिफारिश करने के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने एक कमेटी बनाई है उस कमेटी को लीड कौन करेगा आपसे पूछा गया है फॉर द सस्टेनेबल फाइनेंस याद रखिए मैंने जब आपको यह पढ़ाया था से मैंने आपको चाइना वाला एग्जाम्पल भी दिया था आंसर हमारा क्या होगा देखते है ठीक है आंसर हमारा क्या होगा प्रियांशी बोल रही है और आंसर हमारा सीके मिश्रा होगा ऑप्शन नंबर इज द आंसर सीके मिश्रा ऑप्शन right right तो के लिए एक कमेटी बनाई थी इस कमेटी को कर रहे हैं सीके मिश्रा जी इस कमेटी में दस मेंबर लोग हैं ये भी ध्यान दीजिएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बीन सेलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द इंडियन सोसाइटी ऑफ द एडवर्टाइजर इंडियन सोसाइटी ऑफ द एडवर्टाइजर के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है ये काम करते हैं में एशिया और आ, एशिया सार के ये हेड द चेयरमैन ऑफ इंडियन सोसाइटी क्या होगा हमारा क्या होगा हमारा हो जाएगा सुनील कटारिया ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर सुनील कटारिया निधि ने पहला आंसर दिया है,

तो पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं देखते हैं आंसर पहला कौन देता है यहां पे ठीक है और आंसर uh, हमारा होगा विनोद अग्रवाल जी ऑप्शन नंबर बीस द राइट आंसर मनीष मान बोले विनोद इनके दोस्त होंगे मेरे ख्याल से है ना विनोद अग्रवाल ऑप्शन नंबर बीस द राइट आंसर मनीष बहुत अच्छा लगा वैसे ऐसे नहीं है ठीक है तो एक पॉइंट हमारा ये होगी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एमडी ऑफ द यूको बैंक ये भी क्वेश्चन आपके लिए नया है इसका आंसर आपको देना है वॉट इज द राइट आंसर ठीक है तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एमडी ऑफ यूको बैंक एम वेणुगोपाल सुशील चंद्रा सोमा चंद्र सोमशंकर प्रसाद अरुण कुमार मिश्रा एंड दीपक दास वॉट इज द अपूर्वा बोलिए दिनेश खारा अपूर्वा बेटा गलत बोलो बट इतना गलत बोलो दिनेश खारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है ना आंसर हमारा क्या होगा आंसर हमारा क्या होगा आंसर हमारा होगा सोम शंकर प्रसाद ऑप्शन नंबर सी ये क्या बनेंगे यूको बैंक के नेक्स्ट एमडी बनने वाले हैं ध्यान से रखो मेरी बात दोस्तों

और यूको बैंक में जो आप शंकर प्रसाद जी को ये दो मैंने दी है एक तो पंजाब नेशनल तो गोयल जाएंगे पंजाब नेशनल बैंक। अब चूंकि तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डिप्टी एमडी है नाम क्या सोम है सोमशंकर प्रसाद यूको बैंक के तो एक इंफॉर्मेशन आपके सामने है थी दोस्तों। ठीक है उत्तर प्रदेश वन डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट स्कीम

तो नेपाल के साथ होता है, हैंड हैंड चाइना के साथ, के साथ अच्छा क्या होगा मित्र शक्ति क्या आप में से कोई मुझे कर सकता है? शक्ति में होता है इंडिया और कौन से देश के बीच आंसर क्या दीजिएगा ठीक है तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर ठीक है आगे बढ़ते हैं गाइस बात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की हमारे पास क्या क्वेश्चन देखिए यहां पर ठीक है देखिए तो बिच स्टेट गवर्नमेंट partnered विद द टाटा Technologies टू ट्रांसफॉर्म टेक्निकल ट्रेनिंग एंड encourage इनोवेशन तो तकनीकी प्रशिक्षण को बदलने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ एक भागीदारी की है इसका आंसर क्या देखिए तो विच स्टेट गवर्नमेंट है टाटा टेक्नोलॉजी टू ट्रांसफॉर्म टेक्निकल ट्रेनिंग एंड द इनकरेज इनोवेशन वी हमारा क्या इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में होता है गुण शक्ति प्रियंका जी ने आंसर दिया कोई शक नहीं है, है गलती नहीं होनी चाहिए गरुण शक्ति अलग है नहीं गलत नहीं गलत नहीं ठीक चलिए आगे बढ़ते दोस्तों क्या होगा इसका आंसर क्या होगा यह भी आपके लिए एक नया क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा आपका मणिपुर ऑप्शन नंबर राइट आंसर तो मणिपुर ने पार्टनरशिप किया है विद टाटा टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है? तो एक पॉइंट हमारे पास ये हो गया। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक बोर्ड ऑफ इंडिया सेलिब्रेट इट्स फिफ्थ एनुअल डे तो भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड ने अपना पांचवा वार्षिक दिवस कब मनाया मतलब पांचवा एडिशन इनके बर्थडे का

आंसर हमारा हो जाएगा एक अक्टूबर दो को यानी इंसॉल्वेंसी बैंक बोर्ड ऑफ इंडिया एक अक्टूबर 2016 को आया था तो जिन्होंने पढ़ा पढ़ा तो पढ़ाया हुआ सारे पॉइंट कोई नई बात थोड़ी ना है। आगे हैं गाइस तो देखो यहां पे देखो तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकर बोर्ड ऑफ इंडिया ने अपना पांचवा एनुअल डे सेलिब्रेट किया एक अक्टूबर को

इनमें से वो कौन सा बैंक है जिसने पार्टनरशिप किया है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के साथ इंडिया बुल्स कमर्शियल क्रेडिट के साथ एंड आई होम फाइनेंस के साथ फॉर द को लैंडिंग टू प्रायोरिटी सेक्टर्स वो कौन सा बैंक है जिसने इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस इंडिया बुल्स कमर्शियल क्रेडिट एंड आई होम फाइनेंस से एग्रीमेंट किया को cool लैंडिंग के लिए आंसर हमारा क्या है India, Bada, Bank, Bank, Bank India, right क्या हमारा आंसर होना चाहिए अगर आप हमारे कंटेंट को ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन कहीं बाहर छोड़ी ना आते आपको सारी चीजें ध्यान सुननी चाहिए मैंने आपको इंसॉल्वेंसी बैंक के बारे में स्टडी पॉइंट बताया स्टैब्लिशमेंट ईयर कौन सा एडिशन था बर्थडे का इस बार हु इज द चीफ ऑफ द इंसॉल्वेंसी बैंक सब से क्वेश्चन

और इलाहाबाद बैंक वॉज विद द इंडियन बैंक ऑन फर्स्ट अप्रैल तो इलाहाबाद बैंक जो है था कि जब कोई दो बैंक मर्ज होते हैं और एक बैंक बचता है एंकर बैंक बोलते हैं तो इंडियन बैंक यहां पे एंकर बैंक था और मर्ज इलाहाबाद बैंक था तो ये भी याद रखिएगा ठीक है दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। दो नया क्वेश्चन फिर से नया क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन Which which bank and NTPC Renewable Energy Limited? Which bank and and NTPC NTPC Renewable Renewable Energy Energy Limited, Limited have signed the first green term loan of 500 करोड़ NTPC का Renewable Energy Limited जो है, किस बैंक ने उसको 500 करोड़ रुपए का लोन दिया है फॉर द ग्रीन टर्म लोन ग्रीन टर्म लोन का मतलब क्या होगा मतलब कि आपका जो पैसा है वो रिनेबल एनर्जी पर ही खर्च किया जाएगा आंसर नहीं किया तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप 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 पोल या चिकन कंटेंट वो हम ही अख्तर शमशी ने बहुत बढ़िया रीजन किया है बहुत बढ़िया बेटा वेरी गुड और इसका आंसर होगा बैंक ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर देखें दोस्तों यहां पर तो एनटीपीसी रिनेबल एनर्जी लिमिटेड एन एनटीपीसी के अंडर में काम करने वाली कंपनी है ठीक है इसको पहला ग्रीन टर्म लोन मिला है 500 करोड़ रुपए का 15 साल के लिए बैंक ऑफ इंडिया से इस पैसे का यूज एनटीपीसी 470 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट इन द राजस्थान एंड 200 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट इन गुजरात में खर्च करेगा तो बैंक ऑफ इंडिया ने एनटीपीसी रिनेबल एनर्जी को पांच करोड़ रुपए का लोन दिया पंद्रह साल के लिए ठीक है तो एक पॉइंट आपके पास योग्य दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन

जब कंटेंट हम चेंज करेंगे नए क्वेश्चंस आपको लाके देंगे नए क्वेश्चंस आपके लिए अपॉर्चुनिटी होती है और मेरी बात समझो तुम शाम को चार बजे करंट अफेयर्स यहां पे पढ़ो सुबह मॉर्निंग में तुम्हें बहुत सारी न्यूज अपने आप क्लियर रहेंगे ये मेरी जिम्मेदारी है ठीक है तो परेशान मत हो सेशन हमारा कैसा लगा हमको बताएं कंटेंट कैसा लगा हमको बताएं नए क्वेश्चंस कैसे लगे हमको बताएं कमेंट करें कमेंट की आपकी जरूरत है और पीडीएफ के लिए टेन मिनट का वेट कमेंट बॉक्स में पीडीएफ को मिल जाएगा ठीक है थैंक यू सो मच गाइस अपना ख्याल रखें मिलते हैं आपसे कल मॉर्निंग में एटीएम पे फॉर द करंट अफेयर्स पढ़ाई करिए जिद करिए आई एम व्हाट आई एम हैं इस दुनिया में आए हैं तो डेंट देकर ही जाएंगे ऐसे थोड़ी ना जाएंगे थैंक यू सो मच